Hello everyone. In the chain of my lectures on NMR spectroscopy, this is third lecture, and in this lecture I'll discuss about the nuclear shielding and deshielding, अर्थात नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण। जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के एक निश्चित मान पर प्रोटॉन्स एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का अब्सॉर्प्शन करते हैं और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिस पर कि प्रोटॉन रेडियो फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब ये निर्भर करता है कि प्रोटॉन के चारों ओर केमिकल एनवायरनमेंट या रासायनिक वातावरण कैसा है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम लेते हैं एक CH प्रोटॉन को, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और ये प्रोटॉन किसके द्वारा सराउंडेड है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में भ्रमण करते हैं, सर्कुलर पाथ में दे रिवॉल्व। सो इनके इस मोशन के कारण क्या होता है कि एक इंड्यूस्ड फील्ड उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस चित्र में सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को दिखाया गया है और इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है जिसको हम प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 दिखाया गया है। तो अब क्या होता है कि ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के कारण उत्पन्न हुई है, इट अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती है। और सो दोज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द CH प्रोटॉन अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोटॉन्स का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से परिरक्षण करते हैं। और ये जो शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र पर अवशोषण करेंगे। अगर कोई हमने शील्डिंग नहीं किया हुआ होता, कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वहां पर उपस्थित नहीं होते, तो जिस फील्ड पर वो अवशोषण करते उससे हायर फील्ड पर अब अवशोषण करेंगे। और द ग्रेटर द शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन बाय द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स द ग्रेटर विल बी द शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी कि जितना ज्यादा शील्डिंग होगा प्रोटॉन का बॉन्डिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, उतना ही उच्च क्षेत्र में विकिरण का अब्सॉर्प्शन या अवशोषण होगा। जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो सिग्नल है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अनुपस्थित है, तो लो फील्ड पर हमको सिग्नल प्राप्त होगा। और यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है और उनके द्वारा प्रोटॉन का परिरक्षण हो रहा है तो हमको अप फील्ड या हायर फील्ड पर सिग्नल प्राप्त होगा। अब यहां पर फिर यह क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटॉन है उसका शील्डिंग या उसका परिरक्षण कितना होगा, टू व्हाट एक्सटेंट द प्रोटॉन विल बी शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर यह है कि यह निर्भर करेगा कि प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है। यहां पर दो परिस्थितियां संभव हैं। यदि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है CH प्रोटॉन से, फॉर एग्जाम्पल एल्काइल ग्रुप, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है CH बॉन्ड की तरफ, तो फिर क्या होगा, वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर उनके द्वारा प्रोटॉन की शील्डिंग भी बढ़ जाएगी, और फिर इसके कारण जो सिग्नल है उसकी शिफ्टिंग किधर होगी, उच्च क्षेत्र की ओर या अप फील्ड। इसके विपरीत यदि कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है CH प्रोटॉन के साथ, माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम,
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी CH बॉन्ड के प्रोटॉन्स की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो ग्रुप अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से क्या होगा, डी शील्डिंग हो जाएगी या विपरिरक्षण होगा, और जो सिग्नल होगा वो निम्न क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो जाएगा, डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि तीन उदाहरण हमने यहां पर लिए, एक तो एसिटिलीन एसिटाल्डिहाइड और तीसरा है हमारे पास बेंजीन। तो अब इनमें हम देख रहे हैं ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। तो अभी तक तो हमने उदाहरण में देखा था सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा शील्डिंग और डी शील्डिंग, लेकिन क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल्सो प्रोड्यूस इंड्यूस्ड फील्ड, ये भी प्रेरित क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और दे कैन ऑल्सो कॉज शील्डिंग और डी शील्डिंग। अब वो शील्डिंग करेंगे या डी शील्डिंग करेंगे ये डिसाइड होगा कि जो प्रोटॉन है उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द इंड्यूस्ड फील्ड। अब सबसे पहला उदाहरण हम एसिटिलीन का देखते हैं। तो एसिटिलीन क्या होता है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एक ही तल में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोटॉन एक ही तल में है, और इसके कारण जो इंड्यूस्ड फील्ड उत्पन्न हो रही है वो प्रोटॉन्स को ढक लेती है और इसके कारण प्रोटॉन्स का परिरक्षण हो जाता है या शील्डिंग हो जाता है। शील्डिंग होने से क्या होगा, जो सिग्नल होगा वो अप फील्ड उच्च क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एल्डिहाइड और बेंजीन में क्या होता है, ये इनमें हम जानते हैं कि इनका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है और जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा इंड्यूस्ड फील्ड है वो और प्रोटॉन अलग अलग तल में होंगे, जिसके कारण प्रोटॉन का डी शील्डिंग या विपरिरक्षण हो जाता है। तो ये तो हुआ शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में डिस्कशन विद एग्जांपल्स। अब इनमें शील्डिंग और डी शील्डिंग विभिन्न प्रकार के जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैं, तो उनमें क्रम क्या होगा, sp sp2 और sp3 में क्या एक समानता, सॉरी क्रम क्या होगा इनका। तो हम जानते हैं कि sp3 sp2 और sp कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है sp की, उससे कम sp2 की और उससे कम sp3 की, लेकिन इनका अवशोषण उच्च से निम्न क्षेत्र की ओर होता है, उसका क्रम होता है sp इज लेस देन sp2 इज लेस देन sp3, अर्थात sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ प्रोटॉन हाई फील्ड पर अब्सॉर्ब करेगा और sp कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम लो फील्ड पर अब्सॉर्ब करेगा, एक्सेप्ट इन वन एल्काइन्स। वन एल्काइन में क्या होगा कि कोई अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल ग्रुप उस पर प्रेजेंट है तो उसकी उपस्थिति के कारण उसमें शील्डिंग हो जाएगा और जो क्रम होगा वो sp2 इज लेस देन sp इज लेस देन sp3। sp2 सबसे लोएस्ट फील्ड पर अब्सॉर्ब करेगा और sp3 हाईएस्ट फील्ड पर अब्सॉर्ब करेगा। ये तो था न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग के बारे में। इसके साथ ही अब अगले लेक्चर में हम अन्य स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स एंड कपलिंग कांस्टेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।